अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का वीडियो जो है वो मतलब क्या कहूँ मैं इस बारे में। थंबनेल और टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने आई हूँ और क्या बात करने वाली हूँ और क्या हो रहा है, क्या चल क्या रहा है, सब कुछ मैं आज जो है इस वीडियो में बताऊँगी। लेकिन क्या कह रही थी मैं, हाँ जी, तो मैं आप लोगों से तकरीबन जो 2-4 दिन पहले मैं टूर पे गई हुई थी, तो मैंने वहाँ पे व्लॉग डाला था और एक व्लॉग डालकर मैंने उस पर टाइटल लिखा था कि एक ख़ास मकसद के लिए मैं शॉपिंग कर रही हूँ। और आप लोगों को ये भी कहा था कि वो ख़ास मकसद क्या है, मैं शॉपिंग क्यों कर रही हूँ, वो वक्त आने पर इंशाल्लाह आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगी। लेकिन सही वक्त का इंतज़ार करें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस में चल रही होती हैं जो भी है। तो बस ये था कि सही वक्त का इंतज़ार करके सही वक्त आ गया है। और बस ये है कि अब जो है आप लोग बताने बैठ गई कि इस मकसद के लिए मैं शॉपिंग कर रही थी, इस मकसद के लिए हम सब लोग जो है तैयारियां कर रहे थे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब जो है वो अब ये पाकिस्तान जो है हमारा प्यारा पाकिस्तान, हमारा हैदराबाद, यहाँ के लोग, यहाँ की फैमिलीज, मैं सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ, सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ। और ये है कि एक दिल अजीब सा हो रहा था, ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक फैमिली है, बच्चे हैं इतने और बच्चे बड़े याद आएंगे। पाकिस्तान, एक पाकिस्तान से एक मोहब्बत है यार, कैसा भी है मोहब्बत एक अलग ही अपने शहर से, अपने मुल्क से होती है, अपने मुल्क से एक वफा होती है। तो बस ये है कहीं भी जाएं तो हम कहलाएंगे तो पाकिस्तानी, और बस अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये है कि आज मैं जो है कल मेरी फ़्लाइट है, कल हमारी फ़्लाइट है, मतलब हमारी फ़्लाइट है, पापा अम्मी मैं तहसीन हम लोग जा रहे हैं। तो ये है कि कल फ्लाइट है और मैं आज अभी तक मेरी जो है शॉपिंग मतलब पैकिंग जो है मैंने बिल्कुल भी नहीं करी, मेरा बैग जो है बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। अब मैं आज जो है अपनी पैकिंग करने बैठ ही रही थी तो मैंने सोचा कि चलो इस मतलब मैं वीडियो भी बना लूँ, आप लोगों को भी बता दूँ और जो भी है। क्योंकि अब आने वाले वक्तों में और नेक्स्ट व्लॉग जो होगा, इससे जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो पाकिस्तान का नहीं होगा, तो आप लोगों को ये भी बताना बड़ा ज़रूरी था। और मैं कहाँ जा रही हूँ, ये मैं अपनी सारी चीज़ें ना अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख रही थी, तो ये रहा मेरा टिकट, ठीक है, मेरा टिकट, मेरे पासपोर्ट वगैरह सारे इसमें रखी हुई है सारी चीज़ें। तो बस समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और अब मेरा कब आना हो और पता नहीं मैं कब आऊँ पाकिस्तान, ये भी कुछ पता नहीं है। क्योंकि जो है अब आप लोग समझ लें कि बस हम लोग जा रहे हैं छोड़ के पाकिस्तान और शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से, तो ये बात है। अरे भाई पापा बुला रहे, क्यों पता नहीं मैं आई। हाँ जी आ गई। तो मैं ये बता रही थी कि अब ये जो है फिलहाल हम लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं और आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग वहाँ पे बस पाकिस्तान छोड़ के जा रही हूँ मैं। और एक दिल एक वो भी हो रहा है कि यार यहाँ पे जो है बड़े याद आएंगे सब लोग, अब कुछ पता भी नहीं कि कब आना हो और कब आए हम लोग और क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान का एक रहन सहन बिल्कुल अलग होता है। और जो भी है तो सारी चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं लेकर बैठी हुई थी अपना, और पासपोर्ट भी दिखा देती हूँ, तो मेरा जो है वीज़ा लग चुका था और टिकट्स वगैरह मैं इन्हीं चीज़ों में लगी हुई थी जब आप लोगों को ना जो है बस तदा। तो ये है कि मैं तो बस ये है कि मैं अब जा रही हूँ, आप लोग मुझे बड़ा मिस करोगे। नहीं, आप लोगों से तो मेरा खैर जो भी है मेरा ऑनलाइन कनेक्शन रहता है आप लोगों से और आप लोग तो मेरे ऑनलाइन कनेक्शन में ही रहेंगे। मैं याद करूँगी तो यहाँ पे बच्चों को करूँगी, फैमिलीज़ को करूँगी। और आप लोगों को पता है कि हम लोग क्यों जा रहे हैं, दरअसल तहसीन और मैं इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर कोई इतनी ख़ास जिम्मेदारी नहीं है। और अब आप लोग बोलोगे भाभी क्यों नहीं जा रही, क्योंकि यार उनके तो स्कूल वगैरह बच्चे और फिर हमारा इतना माशाल्लाह से घर वगैरह जो है गृहस्थी सब कुछ यहाँ पर है। तो क्या बोलूँ, समझ नहीं आ रहा। और तो अभी तक मैंने बिल्कुल वगैरह जो है ना अपनी पैकिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं करी हुई, पैकिंग करने जा रही थी तो सोचा कि चलो आप लोगों को साथ साथ लेके चलूँगा। और दूसरा ये कि मैं इतना सामान यहाँ से लेकर नहीं जा रही क्योंकि अगर मैं यहाँ से अगर सामान ले जाने लगी तो बहुत ज़्यादा सामान हो जाएगा और फिर वहाँ से मुझे क्या परचेज करना है, क्या होना है, क्या होगा, उस चीज़ के हिसाब से ना हम चीज़ें लेंगे। तो जो है फिलहाल अभी मैं कपड़े वगैरह ही लेकर जा रही हूँ, इतना ज़्यादा कोई सामान अपना एक्स्ट्रा लेकर नहीं जा रही। और ये है कि कल की मेरी फ़्लाइट है, कल रात को जो है मैं 12 बजे यहाँ से निकल जाऊँगी, कल 11 बजे की मेरी फ़्लाइट है यहाँ से। है कि
आप लोग भी कहते हो कि आप बस पंजाब जाते रहती हो, मुल्तान जाते रहती हो, या वहाँ। अब हम लोग जो है पाकिस्तान से बाहर ही निकल रहे हैं, मतलब पाकिस्तान से बाहर के अब आप लोगों को ब्लॉग्स नज़र आएंगे और जो भी है सब कुछ, घर गृहस्थी, हम लोग किस तरह से रहते हैं, क्या रहन सहन है, मुझे खुद नहीं पता सब कुछ, सब जो है सरप्राइज होगा। तो ये है कि मैं इतना सारा सामान तो लेकर नहीं जा रही, अगर सामान लेकर जाने लगी तो फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत सारा सामान हो जाएगा। तो बस इसलिए जो है अम्मी ने कहा है कि अपने जो है कपड़े अपने ज़्यादा रखो, और इसके अलावा कपड़े भी मैं इतने ज़्यादा लेकर नहीं जा रही क्योंकि अम्मी ने कहा है कि वहीं से परचेज करना, क्योंकि फिर जो है फिर वहीं पर हम लोग देते हैं जो भी हिसाब किताब है। और बाकी जो है वो बस अब चीज़ें पैक करने का टाइम आ गया है, तो अपनी जो है सूट केस क्या कहेंगे इसको, अपनी हर चीज़ जो है इसमें मैं रखूँगी, छोटे लेके जा रही हूँ क्योंकि अम्मी ने कहा है कि अब वहीं से जो है ना तुम सामान लेना, ये छोटी सी अटैची है, अगर पाकिस्तान अगर आना हुआ कभी तो फिर वहीं से जो है सूटकेस वगैरह मैं वहीं से परचेज कर लूँगी, और जो है अपना ये सामान जो है मेरा, तो ये टिकट्स को हम रखते हैं क्योंकि अभी ना पापा ने इसलिए बुलाया था कि बस भाई टिकट्स किधर है मेरे वाला, वो मेरे पास है, मैं वीडियो बना रही थी तो ये हुआ, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चीज़ें होती है। तो खैर इसको साइड करते हैं, और यहाँ पर जो है ना अभी आप लोगों, जब मैं शॉपिंग करते हुए दिखा रही थी तो आप लोगों ने गेस किया था कि तहसीन की शादी हो रही है या फिर कुछ ऐसा इवेंट है ये वो, तो फिर मैंने आप लोगों को शॉपिंग करते हुए दिखाया भी था कि मैं कुछ ज़्यादा जैसे जंप सूट्स वगैरह ले रही थी, इस तरह के कपड़े ले रही थी, तो फिर भी आप लोगों ने जो है ना शादी ब्याह वाले कपड़े तो नहीं है फिलहाल ये, लेकिन आप लोगों ने, खैर मैंने भी आप लोगों को कहा था कि आप लोग गेस करें, तो आप लोगों से जितना हो सका तो आप लोगों ने किया, लेकिन मैं भी सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी कि सही वक्त मिले तो मैं आप लोग, दरअसल बात है क्या, तो ये बात है, तो मैं अपने सारे हिजाब और अपने सूट्स वगैरह यहाँ पर पैक कर रही हूँ, पुराने कपड़े जो है मैं इतने ज़्यादा लेकर जा नहीं रही हूँ, जो नए लिए थे वही लेके जा रही हूँ। देखो थाईलैंड का ये ट्राउजर रखा हुआ है, ये नहीं पहना था तो अब लेकर जा रही हूँ, तो ये है। और देखो अब पाकिस्तान से बाहर का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, पाकिस्तान से बाहर के रहन सहन क्या होते हैं, एक पाकिस्तानी जब फैमिली जाती है तो वहाँ पे किस तरह से जो है सर्वाइव करते हैं, तो ये सब कुछ आपको ना आने वाले वक्त, मतलब आने वाले ब्लॉग्स के अंदर आप लोगों को नज़र आएगा, समझ आएगा, पता चलेगा, जो भी है सारी चीज़ें आप उसे शेयर करेंगे। नेक्स्ट ब्लॉग जो होगा इंशाल्लाह वो मेरा जो है वो उसमें पता चल ही जाएगा सब कुछ, एक हर चीज़ का एक टाइम होता है ना, ये देखो हर चीज़ मेरी जो है ना, मैंने नई नई चीज़ें लेकर जा रही हूँ, और शलवार कमीज़ भी लेकर जा रही हूँ, ऐसी बात नहीं है, अभी कुछ जो है कपड़े दर्जी के पास हैं तो वो भी आने हैं, क्योंकि पता है ना फिर ये। और अब आप लोग गेस करें कि हम लोग कहाँ जा रहे होंगे, और अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी ये तो इंशाल्लाह, क्योंकि हम लोग इस कंट्री में हैं और ये है वो है, तो फिर ये होगा कि वहाँ के जो सब्सक्राइबर्स होंगे तो फिर वो हमसे जो है मिलेंगे, हम देखते हैं फिर वहाँ पे भी हमारे कितने सब्सक्राइबर हैं, क्या हिसाब है, क्या है क्या नहीं है, और इंशाल्लाह आई एम टू एक्साइटेड, मैं बड़ी एक्साइटेड भी हूँ, और एक मतलब एक्साइटेड में मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही, मैं इतनी ज़्यादा कोई वो हो रही हूँ कि आवाज़ ही नहीं निकल रही है, तो ये है बात। अच्छा नाइट सूट्स भी रखूँगी, नाइट सूट्स ये मैं पहन के जाऊँगी, सही है। तो कल रात को 12 बजे मेरी फ़्लाइट है, थोड़ी सी देर रह गई है और अभी तक पैकिंग भी नहीं करी है, इतना सारा कोई सामान होता है आप लोगों को पता है कि एक दो दिन के लिए या एक दो महीने के लिए तो जा नहीं रहे हैं, तो सामान काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगा उसके लिए, और देखो अब क्या होता है मैं बड़ी खुश भी हूँ, एक ये भी है कि हाँ ये कमरा है मेरा और इसको छोड़ के जा रही हूँ, पाकिस्तान छोड़ के जा रही हूँ, हैदराबाद छोड़ के जा रही हूँ, आगे फैमिलीज ये वो जो भी है, तो अब जो एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, एक हर चीज़ एक नई नई होगी कपड़ों के अलावा भी एक नई ज़िंदगी, एक नया एनवायरनमेंट, और हो सकता है कि अब आप लोग जो इतना मतलब कंप्लेंस करते हो कि हम तुम्हारी इंग्लिश है, वो हो सकता है वो भी इम्प्रूव हो जाए तो ऐसे इस तरह की जो है बातें हम लोग करते रहेंगे, होती रहेंगी, और बस ये जब कंफर्म हो गया, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मैं जा रही हूँ, मैं सीरियसली मैं बताऊँ, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मैं जा रही हूँ, कि देखो अब किस तरह से जो है होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, एक नई ज़िंदगी अल्लाह पाक, बस ये है कि
खुशियों के साथ जो है दिन दिखाए और हर बुरी बला से दूर रखे हम सबको। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। नज़रें बद से बचाए। और ये व्लॉग देखने के बाद बहुत सी चीज़ों में जो है मैं यहाँ पे माशाल्लाह लगा देती हूँ अभी से मैं माशाल्लाह लगा देती हूँ। और ये है कि देखो फिर क्या होता है तो यहाँ पे भी जो है पैकिंग कर रही थी। अब मुझे क्या क्या रखना है मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा, पता है मेरा अभी दिमाग जो है ना वो काम ही नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है बस, ऐसा लग रहा है बस कपड़े लेकर जाने और कुछ भी नहीं। अब देखो क्या है अपना सामान जो भी और भी चीज़ें हैं। ये देखो अभी मैंने कहा था कि मैंने ये पहन के जाना है कल और यही रख दिया मैंने। अब जो भी है अपना हिजाब सो करेंसी के हिसाब से अगर अब आप लोगों में थोड़ा सा हिंट दे दें कि मैं कहाँ जा रही हूँ। यहाँ से मैं डॉलर्स लेके जा रही हूँ ताकि मुझे वहाँ पे ना शॉपिंग करने में आसानी हो। लोग गेस करिएगा कि मैं कौन सी कंट्री जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। बाकी जो है कल का व्लॉग आएगा इंशाल्लाह, कल का या फिर मैं परसों अपलोड करूँ इंशाल्लाह जो भी है, तो फिर इसके अंदर आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा और वहाँ पहुँच कर फिर आप लोगों से मैं बात करूँगी। तो चलें अभी जो है मैं शॉपिंग अपनी जो भी है सामान जितनी भी शॉपिंग मैंने की थी वो सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं। अब मैं अपनी अलमारी में देखती हूँ कौन से कपड़े हैं। सारी अलमारी मैंने खाली कर दी है अपनी, मैं सारा सामान जो है अपना बस आपकी अलमारी मैंने पूरी खाली कर दी है। अब वो अलमारी मेरी कोई भी ले ले या फिर मैं कभी आऊँगी पाकिस्तान तो फिर अपने कपड़े जो फिर वहाँ से जो लेकर आऊँगी फिर वो रखूँगी। अभी अपनी अलमारी जो है मैंने पूरी खाली कर दी है और अपना सारा सामान जो है बस मैंने इधर उधर कर दिया सारा, जा रही हूँ बस। और तो कपड़े वगैरह जो थे मैंने रख लिए हैं अपने सारे। अब जो है मैं एक ही बैग लेके जा रही हूँ क्योंकि अम्मी ने मुझे ये कहा है कि अंबर वहाँ से जो है वहाँ से तुम अपनी शॉपिंग करना, वहाँ से परचेज करना, वहाँ की चीज़ें लेना, वहाँ के ब्रांड्स लेना। तो इसलिए जो है अब मेरे पास जो पर्स था मेरा, वैसे मेरे पास तकरीबन 6 से 7 पर्स हैं बट यू नो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल है तो सारे तो मैं लेकर नहीं जा सकती, तो इसलिए मैं वो लेकर जाऊँगी जिसके अंदर मुझे स्पेस ज़्यादा मिल जाए और चीज़ें ज़्यादा रखने में आ जाए। तो इसलिए क्योंकि मुझे वहाँ पर जाकर लेनी है तो अभी जो है मैं गुजारा कर रही हूँ बस, जस्ट मैंने इसको लेकर जाना है फिर मैं वहाँ से शॉपिंग करूँगी फिर मैं वहाँ की ब्रांड्स और वहाँ की चीज़ें लूँगी। तो इसलिए अभी फ़िलहाल मैं इसी को लेकर जा रही हूँ। आप लोग बोलो कि अंबर तुम्हारे पास क्या है कि पर्स है, तुम जा रही हो पाकिस्तान से बाहर, तुम एक ही वो लेकर जा रही हो, मतलब वही पुरानी चीज़। तो ये बात है कि मैं इसलिए पुरानी चीज़ लेकर जा रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ से नई लेनी है। पता है बारिश होगी और हम दोबारा से ठंडी जगह से निकल के गर्म जगह पे जा रहे हैं हो सकता है कि कल तक बारिश हो जाए क्योंकि कोई इतना हफ्स हो रहा है, इतनी कोई गर्मी हो रही है, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। दरख्त को देखने से पता चल ही रहा होगा कि बिल्कुल जो है हवा रुकी हुई है। बाकी ये कि कल का जो है वो बारिश का बताया हुआ है, कल अगर बारिश हो गई तो फिर हमें यहाँ से एयरपोर्ट भी तो जाना है, तो देखो क्या होता है। और बाकी जो है ना बाकी लतीफ़ाबाद में और हैदराबाद में और जगहों पे पानी भरा हुआ है, हमारे रोड पे पानी नहीं भरा हुआ इतना, तो खैर गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, अंदर चलते हैं। और यहाँ पे हो चुका है लंच टाइम और लंच टाइम के अंदर यहाँ पर था, मतलब लंच में यहाँ पर था भिंडी, अम्मी ने बनाई थी फ्राई भिंडी। वैसे मुझे भिंडी भले शॉर्मा वाली हो या फ्राई भिंडी हो, भिंडी भिंडी होती है, भिंडी बहुत पसंद है मुझे बहुत ज़्यादा, मैं बड़ी शौक से खाती हूँ। ज़्यादातर मैं लंच वैसे स्किप कर देती हूँ लेकिन जब भिंडी इस तरह की मेरी पसंदीदा चीज़ बनी तो मैं ज़रूर खाती हूँ। मेरे पास आई है एक गन, मैं गन भी लेकर जा रही हूँ, गन जो है मैं अटैची में लेकर जा रही हूँ। ये बस अल्लाह पाक जो करता है बहुत अच्छे के लिए करता है, बहुत 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 जो है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर कल इंशाल्लाह अब आपको हम मिलेंगे एक न्यू जर्नी के साथ, एक नई ज़िंदगी के साथ, एक नए रंग के साथ, एक नए मुल्क के साथ, नए लोगों के साथ और नए व्लॉग के साथ, और बस ये है। चले जी सामान जो है मैं और ये पैक कर पापा को दे दूँ। रिव्यूवर्स तो यहाँ पे लग चुका है खाना और डिनर के अंदर यहाँ पे थी बहुत मज़ेदार भाभी ने बिरयानी बनाई थी। तो बस आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जो बताइएगा, कोई भी सवाल कोई भी बात कोई भी हिंट कोई भी मतलब चीज़ हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने न्यू जर्नी के साथ न्यू ब्लॉग के साथ, जब तक लिए तब तक लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाई।